हेलो गाइस, आपका वीकली न्यूज़ के पहले एपिसोड में स्वागत है। इस वीडियो में हम सारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। अब मैं इंट्रो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अब सीधे वीडियो शुरू करते हैं। न्यूज़ नंबर वन, महिंद्रा ने इसी वीक चार नई SUVs XUV100, XUV400, XUV700 और XUV900 के नाम्स को रजिस्टर किया है। XUV100 काइगर राइवल होने वाला है, XUV400 क्रेटा राइवल होने वाला है और XUV700 तो XUV500 का ही अपडेटेड वर्जन है। XUV900 है वो शायद अल्टुरस G4 को रिप्लेस करने वाला है। न्यूज़ नंबर टू यह है कि सिट्रोइन एक सब कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने वाला है। इस कार को CC21 कोड नेम दिया गया है। यह कार May 28th को डेब्यू कर सकती है। इस कार की प्राइस अराउंड 9 लाख रहने वाली है। यह कार नेक्सॉन राइवल साबित होगी। न्यूज़ नंबर थ्री यह है कि महिंद्रा XUV700 के लॉन्च होते ही XUV500 की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। न्यूज़ नंबर फोर यह है कि महिंद्रा थार ने 6 महीने के अंदर ही 50,000 बुकिंग्स को क्रॉस कर दिया है। न्यूज़ नंबर फाइव यह है कि 2021 स्कोडा कॉडिएक इस साल के फाइनल क्वार्टर में इंडिया में लॉन्च हो सकती है। न्यूज़ नंबर सिक्स यह है कि महिंद्रा आने वाले 3 सालों में 3,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में। न्यूज़ नंबर सेवन यह है कि BMW मर्सिडीज बेंज को हराकर इंडियाज नंबर वन लग्जरी कार मेकर बन चुका है। न्यूज़ नंबर एट यह है कि जल्द ही मारुति सुजुकी अर्टिगा और XL6 नए फीचर्स के साथ लॉन्च होंगे। न्यूज़ नंबर 9 यह है कि मारुति सुजुकी बलेनो और ब्रेजा के बाद CSB टोयोटा की रीबैजिंग के साथ लॉन्च होने वाली है। यह कार जो होगी वो टोयोटा यारिस को रिप्लेस करने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ऐसे सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या है, इसमें आप ही का फ़ायदा है। और हाँ, अब मैं हर वीक एक वीकली न्यूज़ पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ।